हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिटनेस वाइब्स। दिस इज मनु वशिष्ठ और आज हम बात करने जा रहे हैं वे प्रोटीन के बारे में। दोस्तों, मिल्क के अंदर दो तरह के प्रोटीन होते हैं, कैसीन एंड वे। वे जो है बाय प्रोडक्ट है चीज मेकिंग का। वे प्रोटीन को कंप्लीट प्रोटीन भी कहा जाता है। कंप्लीट प्रोटीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर ऑल एसेंशियल 9 अमीनो एसिड्स अवेलेबल होते हैं जो हमारी बॉडी को फूड से चाहिए होते हैं, एंड उसके साथ ये वेरी फास्ट एंड इजी टू डाइजेस्ट भी है। अब फूड्स की बात करूं तो मीट, डेयरी, एग्स एंड सम वेजिटेबल प्रोटीन सच एज किनोवा एंड सोय, इन सबको कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है। इसके अलावा अदर वेजिटेबल्स, राइस एंड स्टार्चेस, ये जो है कंप्लीट प्रोटीन नहीं माने जाते क्योंकि इनके अंदर वन या मोर देन वन जो है एसेंशियल अमीनो एसिड मिसिंग रहते हैं। दोस्तों, जब भी आप वे प्रोटीन लेने जाते हैं, आप देखते हैं कि एक ही ब्रांड के तीन चार वे प्रोटीन या फिर काफी सारे वे प्रोटीन अवेलेबल होते हैं जिनमें काफी उनके प्राइस हाई होते हैं, काफी उनके अफोर्डेबल होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको थ्री मेन टाइप्स ऑफ वे प्रोटीन बताने वाला हूँ। नंबर वन पे आता है वे प्रोटीन कंसेंट्रेट। कंसेंट्रेट की बात की जाए तो ये तीनों में सबसे चीपेस्ट रहता है। चीपेस्ट इसलिए होता है, एक तो इसका प्रोटीन कॉन्टेंट सबसे कम होता है एज कम्पेयर टू अदर्स, बट कम रहने के बावजूद भी इसकी परसेंटेज काफी हाई रहती है। अब परसेंटेज की बात की जाए तो 55-89% ऑफ वेट जो है इसका प्रोटीन से आता है। रेस्ट 11-45 जो है वो लैक्टोज एंड फैट से आता है। नंबर टू पे आता है वे प्रोटीन आइसोलेट। अब आइसोलेट की बात की जाए तो 95% ऑफ वेट जो है वो प्रोटीन से आता है एंड मिनिमल फैट एंड लैक्टोज से, बट इसका कंसेंट्रेट के मुकाबले प्राइस थोड़ा हाई रहता है। नंबर थर्ड आता है वे प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस की बात की जाए तो तीनों में सबसे कॉस्टली है। कॉस्टली होने का इसका यही कारण है कि इसका 99% ऑफ वेट जो है वो प्रोटीन से आता है। तो ये थी आपके थ्री मेन टाइप्स ऑफ वे प्रोटीन। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। वे प्रोटीन के बेनिफिट्स जो है काफी सारे जोड़े जाते हैं। अब अगर उनके कुछ बेनिफिट्स की बात करूं तो ये लाइक हेल्प करता है आपके वेट लॉस में, हेल्प करता है आपके मसल मास को इंक्रीज करने में, डिक्रीज करता है आपके ट्रिग्लिसराइड्स को, डिक्रीज करता है आपके टोटल कोलेस्ट्रॉल को, इंक्रीज करता है आपके गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को, आपको पावर प्रोवाइड करता है स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, आपके रिकवरी टाइम को कम करता है। तो ऐसे कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि वे प्रोटीन के साथ जोड़े जाते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अकेला वे प्रोटीन इन सब बेनिफिट्स को तब तक हेल्प नहीं कर पाएगा जब तक आपका ओवरऑल न्यूट्रिशन प्लान अच्छा ना जा रहा हो। तो अपने ओवरऑल न्यूट्रिशन प्लान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो एज सच वे प्रोटीन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए हैं, बट हाँ, अगर आप इसकी ओवर डोजेस लेते हैं तो आपको स्टमक पेन, मसल क्रैम्स, फटीग, नोजिया, हेडेक, इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। अब इस बात करते हैं इनकी डोजेस की। तो डोजेस के लिए मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा कि या तो आप अपने ट्रेनर, न्यूट्रिशनिस्ट या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सो दैट हम आपके डिजायर्ड गोल को देखते हुए और आपके न्यूट्रिशन प्लान को देखते हुए ये बता सकें कि कितना प्रोटीन जो है आपको सप्लीमेंट से लेना है। तो विदाउट एनी गाइडेंस, विदाउट एनी किसी की एडवाइस के बगैर आप वे प्रोटीन को यूज ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे पेज फिटनेस वाइब्स को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।